नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करां पूर्णेन्दुसुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत् तुमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। धेयं सदा प्रभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतबालभवदिकोत्तमं। वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदोस्तसुरसुरे सिद्धराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयारिवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैदयसितमन्धावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् किरीटगयूर महारहनिष्की मनयोत्तमालंकृत सर्गात्रं पीतांबरं कांचन चित्रनद मालाधरं के शवम जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समान तरबर फल नहीं खाद है नदी न संचय नीर परमारथ के कारण साधुन धरा शरी श्री बांके विहार में नमः। ओम हनुमते नमः। श्री कामदगिरे नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्रीधरं श्रीधरं वंदे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृति कृताः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय
श्रीमहागणाधिपतये नमो ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम प्राकलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण है। यहाँ पर आए हुए समस्त विद्युतगण मंचासीन समस्त विद्युतगण सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर उपस्थित समस्त सज्जन माताएं बहनें सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर को कोटि कोटि नमन और सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे 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 में कंजूसी नहीं करनी बोलो राधे 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 राधे। कल हमारे कान्हा जी ने गोवर्धन को उठाया तो इंद्र ने कोप किया, देखो मेरे बांके बिहारी तेरे ये भक्त बैठे हैं। इंद्र चाहे कितना भी कोप कर ले परंतु ये भक्त इधर से हिलने वाले नहीं। सभी भक्तों को देखकर मैं भी दौड़ा चलाया। जब ठाकुर के भक्त आ सकते हैं तो ये दासानुदास क्यों नहीं आ सकता। जहां अमृत वर्षा हो रही है तो ज्ञान की वर्षा क्यों नहीं कर सकता। बहुत सौभाग्य की बात है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है तभी संतों के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। संतों के दर्शन साधुओं के दर्शन विद्वानों के दर्शन करने से सर्वसिद्धि सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। आज आप सभी भक्त बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष संत आए हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, उनका आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, बोलो राधे राधे। दुर्लभ मानव जन्म है देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डर।
मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। एक बार अगर वृक्ष से पत्ता टूट जाए तो वह दोबारा नहीं लगता। हमारे चित्रकूट धाम के संत इतनी पावन धरा है, मां मंदाकिनी कल कल करके बहती हैं। आज भी मेरे रामचंद्र प्रभु प्रातःकालीन परिक्रमा करते हैं मेरे आज से। ऐसी महानता है तीर्थों की, मां गंगा की, गौ मां की और मां मंदाकिनी की। ठाकुर जी सोच रहे हैं वर्षा हो रही है, क्या मेरे भक्त आएंगे? हे ठाकुर, देख ले तेरे दरबार में कितने तेरे आशिक बैठे हैं। बोलो जय हो राधे राधे। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया का नाता तोड़ चले, मुस्कुराकर गम के रस को जिसपे पीना आ गया। सच कहूं तो प्यारे, सच कहूं तो इस जगत में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। प्रभु गीता में कहते हैं, गीता तुम मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ, इदं ब्रूमीमि ते सत्यं कृतोऽहं तेन च अर्जुन। अर्थात गीता तुम नामानि, जो मेरे नाम का गुणगान, कौन? मेरे भक्त। नर्तयेन मम सन्निधौ, मेरे नाम का गुणगान करते हुए मेरे सम्मुख नृत्य करते हैं, नाचते हैं, तो मैं क्या प्रदान करता हूं? हे अर्जुन, इदं ब्रूमीमि, आहा ते सत्यम क्रीतो हम, वह मुझे खरीद लेते हैं मेरे प्यारे, मुझे खरीद लेते हैं अपनी भक्ति से। मैं बिक जाता हूं किस पे? भक्ति पे। ठाकुर को तेरा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, तेरा घर नहीं चाहिए, तेरी दुकान नहीं चाहिए, तेरी गाड़ी नहीं चाहिए, उसे तो तेरा हृदय चाहिए, तेरा हृदय चाहिए। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्धकालीन संबंधा का कस्य परिवेदना। हम धरा पर आए हैं किस लिए? गृहस्थ जीवन को निभाते निभाते ठाकुर की सेवा भी करते रहे। और आज गोविंद विहार में, गोविंद की नगरी में, और तो बात छोड़ो, मिनी वृंदावन धाम में वर्षा हो रही है। मेरे ठाकुर ने कहा, बच्चों का विवाह करता है तो रात्रि कालीन में, मैं तो वैसे भी चोर हूं, चोर का काम तो रात्रि में होता है। भक्ति को दृढ़ बनाओ, पुष्ट बनाओ। क्या प्राप्त होगा? चले लक्ष्मी चले प्राणान, चले जीवति मंदिरे, चला चले तू संसारे, धर्म एको ही निश्चला, धर्म एको ही निश्चला।
सब कुछ नष्ट होने वाला है, घर मकान वाहन इत्यादि। हमेशा रहने वाला क्या है? धर्म एको ही निश्चला, एक धर्म ही सदा रहने वाला है। इंद्र ने इतना कोप किया, 7 दिन प्रभु ने अपने कनिष्ठिका के नख पर गिरवर को धारा है। गौ माँ की, ग्वालों की, सबकी रक्षा की है प्रभु ने। ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों को चुराया था, इतनी स्तुति की, लेकिन भगवान से प्रसन्न नहीं हुए, परंतु इंद्र के ऊपर कैसी कृपा कर दी। प्रभु कहते हैं, मेरे प्यारे, ब्रह्मा ने मुझे अलग किया ग्वाल वालों से और इंद्र ने मुझे मिलाया है आपस में। कैसे? जब गोवर्धन को मैंने उठाया तो गौ मां, जितने ग्वाले हैं, राधा रानी, सब मेरे समक्ष हैं, मेरे पास हैं, उसको मेरे पास भेजा है, मिलाया है। स्तुति की, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांत तपोमय दुष्ट रजस्त मस्तकम मायामयम गुण संप्रभा हो न विद्यते दे गुणान बंधा, न विद्यते गुणान बंधा। आप विशुद्ध सत्व हैं, हे प्रभु रक्षा करो। गौ माँ ने अभिषेक किया है, सुरभि माँ ने, प्रभु ने 7 दिन 7 रात, उम्र क्या है? 7 वर्ष। इतने दिनों तक गोवर्धन को धारण किया। इंद्र ने आकर के पूजन किया, क्षमा मांगी, ठाकुर जी ने उसको माफ कर दिया। ऐसी प्रभु की लीला है, महिमा है। कोई भी कार्य करो, श्रद्धा से करो, पूरी श्रद्धा से। तू एक कदम चल करके आ मेरे प्यारे, वो 1000 कदम चल करके तेरे पास आएगा। 1000 कदम चल करके। उस छवि को निहार, प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने आप को ठाकुर को सौंप दे, जब तू अपने आप को प्रभु को सौंप देगा तो निश्चिंत होकर के संसार में घूम, निश्चिंत होकर के। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाकू कछु ना चाहिए, वही संसार, वही संसार। संत तो शहंशाह हैं, फक्कड़ हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं मेरे प्यारे। सत्संग में बोलो राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी नारायण की जय। कहां जलवा नहीं प्यारे, कहां जलवा नहीं, ये जलवा है मेरे ठाकुर का, कि बरसात में भी तू दौड़ा चलाया, अपने आप को नहीं रोक पाए। यही तो जलवा है, यही तेरा प्रेम है। समय हो गया कथा का, कथा में जाना है, उत्सुकता है। यही तो मेरे ठाकुर के प्रति लालसा है तेरी। और आज मेरे ठाकुर की इतनी बड़ी कृपा कि कल गोवर्धन को धारण किए थे, आज रुक्मणी राय का भी आज सभी लोग प्रसंग सुनेंगे। प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बाबा का नियम है, क्या नियम है? एकादशी राम निराहारा एकादशी का व्रत करते हैं और समाधर्त जनादरम स्नातु नंदस्तु कालेन्द्रम द्वारस्याम जलमाविशत।
उन्हें प्रतीत हुआ कि रात्रि में द्वादशी आ गई, तो 12 बजे जमुना जी चले गए। जमुना जी गए तो यमदूतों ने उधर जो जल के वरुण के दूत हैं उन्होंने पकड़ा और ले गए वरुण लोक को। नंद रानी जी परेशान हो रही, नंद बाबा जी कहां चले गए, कन्हैया जी को बताया। कन्हैया ने कहा मैया तू चिंता मत कर। कन्हैया जी बलराम जी गए जमुना जी में और डुबकी लगाई सीधे वरुण लोक को। जैसे ही वरुण देव ने प्रभु को देखा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, परंतु ऐसी गलती मैं बार बार करने के लिए तैयार हूं कि आपके दर्शन तो हुए होंगे। अगर प्रभु के लिए तुझे झूठ भी बोलना पड़े उसमें भी तेरा सत्य है। भगवान कहते हैं मुझे अपना भक्त बहुत प्रिय है, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। और प्रभु की इतनी बड़ी कृपा, वरुण भी गरुण भी दोनों स्तुति करते हैं क्योंकि गरुण वाहन है प्रभु का और वरुण देव जी जल के मालिक हैं। वरुण देव कहते हैं प्रभु मुझे पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया और आज धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। प्रभु जी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आज एक वो दिन आया, कौन सा, भगवान अभी तारात्रि सरदोल फुल मल्लिका वेक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपस्रिता। धीरे धीरे शरद ऋतु आई, फुल मस्तिका, छोटे छोटे पुष्प खिल रहे हैं, चमेली के सुगंध आ रही है। क्या किया प्रभु ने, विक्षरंतो मनश्चक्रे सबके मन को भा रही है, योग माया उपाश्रिता। योग माया बार बार इशारा कर रही है प्रभु कब रास रचाओगे। ये रास पंचाध्यायी है, 5 अध्यायों में विवेचना है, कहां से कहां तक, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 29-33 तक है। जो व्यक्ति रास पंचाध्याय का श्रवण करता है उसे मेरे ठाकुर की भक्ति प्राप्त होती है। इतनी पावन कथा है मेरे प्यारे भागवत कथा, रस ही रस है, ये कहीं और प्राप्त नहीं होगी। स्वर्ग सत्य चा कैलाश वैकुंठम नस्त्यम रजा अदा विवंतो सद्भाग्या मां मामुंचत कर ही चिद। उसके लिए तुझे धरा पर आना पड़ेगा, न स्वर्ग में है, सप्त में है, न तप में है, न ब्रह्मा जी के लोक में, न विष्णु जी के, कहीं नहीं, तो कहां है, पृथ्वी लोक में। देवता भी तरसते हैं, देवता भी, सुराम भी दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है मेरे प्यारे। कैसी कथा है ये, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, सबका भला करने वाले हैं मेरे प्यारे, सबका भला करने वाले। संसार भय नाशनम अर्थात संसार रूपी भय से मुक्त करने वाली वो भागवत कथा मेरे ठाकुर की कथा है। आज मेरे प्रभु ने मंद मंद बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां विचार कर रही हैं कि मेरे कान्हा मुझे बुला रहे हैं। दूसरी गोपी कहती है नहीं मुझे बुला रहे हैं। आज सभी गोपियां दौड़ी, सभी गोपियां दौड़ी, इतनी जल्दी में दौड़ी मेरे प्यारे, किसी ने तो स्नान किया किसी ने तो स्नान भी नहीं किया।
कोई ही लिपस्टिक लगा रही थी, लिपस्टिक वाली चीज गालों पे, गालों वाली लिपस्टिक पे, बोलो राधे राधे। मेकअप करना है, बालों को बांधने की जगह आधे बाल बांधे आधे खोल दिए। रोटी बना रही है पति देव जी के लिए, तवे पे ना डाल करके पति की थाली पर, बोलो राधे राधे। अरे देवी दिमाग तो ठीक है, अरे चित्त कैसे ठीक होगा जब चित्त चोर ने चुरा लिया है। कहते हैं मेरे प्यारे सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम, किसकी शरण में, मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नाशितः, सभी प्रकार से तुझे मुक्ति दिला दूंगा, सभी धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा। सभी गोपियां भगवान के पास आई, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभाग भगवान की नामयम कश्चि ब्रूता, स्वागतम तो महाभाग, स्वागत है देवी आपका, भगवान किम करवाड़ी वा, स्वागत है किस लिए आई हो, भगवान किम करवाड़ी वा, ब्रजस्या नामयम कश्चित भूता तुमन कारणम, हे विदांगनाओं अपने पति को छोड़कर रात्रि में आती हो, शर्म नहीं आती। गोपियां हंसती हैं, एक तो बांसुरी बजा करके बुलाते हो, अब कहते हो चले जाओ, कहते हैं मेरे प्यारे मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं, तो बांसुरी किसके लिए, ये तो मैं भक्तों के लिए बजाता हूं। प्रभु तो समय आएगा जब हमें आपके साथ रास रचाने का समय प्राप्त होगा, अवसर प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं देवियों पति को रात्रि में छोड़ करके आना उचित नहीं है दूसरे पति के पास, तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति थक गया था तो गोद में सर रख करके लेटा हुआ है, पास में छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक खेल रहा है, खेलते खेलते वह बालक उस कुंड में जिसमें आग लगी हुई थी, अंगारे थे, बालक जा रहा है, पति का सर गोद में है, पति सो रहा है, अब मैं पति का तो धर्म बचाऊं कि अपने पुत्र को बचाऊं, बालक जा करके उस कुंड में गिर जाता है, अश्रुधारा निकलने लगती है उस स्त्री की, जब वो बूंद उसके गालों पर गिरती है पति के, उसकी निद्रा टूटती है, देवी क्या हुआ, बालक कहाँ है, दौड़ करके उस कुंड में गई है और क्या देखा, वो बालक अंगारों पर खेल रहा है, खेल रहा है। ऐसा पतिव्रत धर्म है, ऐसा पतिव्रत धर्म है, यही भारत का गौरव है, मेरे भारत का गौरव है। गोपियां कहती हैं बातें बनाने में तुम बहुत आगे हो, लेकिन तुम्हारी भी हम गुरु हैं। बोले कैसे, कहा देखो एक पति होता है वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है, पत्नी को एक मूर्ति रह जाता है, देवी ये मेरी मूर्ति है इसकी पूजा करना, प्रतिदिन पूजन किया करती थी, एक दिन हकीकत में उसका पति आ गया, दरवाजा खटखटा रहे हैं, देवी खोलो, और वो पूजा कर रही है उस मिट्टी वाले की, अब तू ही कान्हा बता उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि मिट्टी वाले नरक की पूजा करनी चाहिए,
भगवान कहते हैं बिल्कुल सीधी साधी बात है, इसमें टेढ़ी बात तो है नहीं। बोले कैसे? अरे जब हकीकत का पति आ गया क्या पुतले की पूजा करनी है? वही तो मैं कहती हूँ गोपिया कि जब साक्षात मेरा पति आ गया कन्हैया तो नकली पति को पूछ कर मैं क्या करूँगी। पर आज वंशस्तु स्वयं रुद्र, वंशी क्या है? वंशस्तु स्वयं रुद्र, भगवान रुद्र हैं, शिव हैं। गोपी कौन है? गोभी इंद्र भी पिबत कृष्ण रसम स गोपी, जो अपनी हर एक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वह गोपी है, वह गोपी है। प्रभु को पाना है तो गोपियों जैसा वात्सल्य लाओ प्यारे, वात्सल्य लाओ। जितना भी व्याख्यान किया जाए उतना कम है मेरे प्यारे, उतना कम है। आज उनकी इच्छा के लिए मेरे प्रभु ने क्या किया है? महाराज कैसा महाराज किया प्रभु ने? रसो वैसा सहरासा, जिसमें केवल रस है, लौकिक नहीं पर लौकिक रस है। दूसरे संत कहते हैं रसा नाम समूहा नाम रासा, रस के समूह को रास कहते हैं। अर्थात गोपियां हैं जो वो छिलका है, बीच में जो गुदा है वो मेरा कन्हैया है, मेरा कन्हैया है। इतना डूब जा कृष्ण रस में, इतना डूब जा दुनिया कहेगी ये पागल है, हमें पागल ही रहने दो मेरे प्यारे, हम पागल ही अच्छे हैं, पागल ही अच्छे हैं। तेरी याद में मोहन मुझे ये संसार हंसता है, मुझे भी हंसी आती है कि तू मुझे याद करता है, तू मुझे याद करता है। ऐसा चरित्र है मेरे प्रभु का। आज प्रभु ने महाराज किया मेरे प्यारे, महाराज किया। कैसा महाराज है प्रभु का? उसमें काम की भावना नहीं है। काम देव को भी भगवान ने उल्टा लटका दिया, तेरा इधर कोई काम नहीं, शांति से महाराज देखना है, शांति से देखो। भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, देवी तुसी कितने जा रहे हो? बोलो राधे राधे। माता पार्वती कहती हैं मैं तो महाराष्ट्र में जा रही हूं। क्यों? अरे प्रभु ने बुलाया है, अरे प्रभु ने बुलाया है, मैं नहीं चल सकता। बाबा आपकी तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, पुरुषों को जाना मना है। देवी मुझे भी जाना है, एक काम करते हैं, बढ़िया सेविंग कर लेते हैं और साड़ी पहन लेते हैं, आ मेरा श्रृंगार कर दो, मैं भी गोपी बन करके प्रभु के दर्शन करने जाऊं। ये मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं। भगवान राम का अवतार हुआ, ज्योतिषी बन करके मेरे प्रभु भोलेनाथ आए। कृष्ण का अवतार हुआ तो मेरे प्रभु आए। हर अवतार में मेरे प्रभु रुद्र आते हैं। कृष्ण को भगवान स्वयं, भगवान है कृष्ण। कोई कहता है कृष्ण कौन है जी, हम तो जानते ही नहीं कृष्ण कौन है। अरे एक बार जान जाओगे तो दोबारा कोई रस तुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, सब रस फीका, सब रस फीका। आज गोपियों के साथ महाराज किया मेरे प्रभु ने, और महाराज में इतने पुलिन हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित पूछो ही मत। प्रभु भोलेनाथ आए, बालकृष्ण ने देखा ये जो नई नवेली दुल्हन है मैं इसके साथ रास करूंगा। जैसे देखा भोले बाबा छम 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 करते हुए पीछे भागे, प्रभु ने कहा ये गोपी बड़ी चंचल है, मैं इसी के साथ महाराज करूंगा।
प्रभु ने महाराज किया। बड़ा सुंदर इसका वृत्तांत है। और महाराज करते करते धीरे धीरे मेरे प्रभु जी राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। प्रभु को गोपियों ने नहीं देखा, ढूंढने लगी विरह में, ठिकाना मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करो। हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजर दास शास्त्र कृपया में सख सन्नधिम सख दर्शन सन्नधिम। प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, विलाप कर रहे हैं। गोपियां विरह में दौड़ रही हैं, प्रभु कब मिलेंगे हमें, कब मिलेंगे। जब आगे गए तो देखा कुछ पुष्प नीचे गिरे हुए हैं और चरणों के चिन्ह भी वहां अंकित हैं। कस्या परानि चैतानि यातायानंद सुनना अनसंतृष्य प्रकोष्ठाया करेणो करना यथा परई काने पद चिन्ह बने हैं। कितने? चार। गोपियों ने कहा कन्हैया होते तो दो चिन्ह होते, लगता है साथ में गोपी को लेकर के दौड़े हैं प्रभु। गोपी कौन है? वही गोपी तो राधा रानी है। आज गोपियां विरह में दौड़ रही हैं, प्रभु क्या हमसे भूल हुई मेरे कान्हा, जो तू हमें छोड़ करके चला गया, क्या भूल हुई, इतने विरह में डूब गई मेरे प्यारे। पत्तों को पकड़ पकड़ के कहती है तूने मेरे कान्हा को देखा है, तूने मेरे कान्हा को देखा है। हवा से पूछती है हे हवा हे पवन देव क्या तुमने मेरे कान्हा को देखा है, मेरे श्याम को देखा है। धीरे धीरे एक गोपी कहती है मैं कृष्ण हूं, और रास रचाते हैं मैं कृष्ण हूं, अपने आप को कृष्ण समझने लगते हैं। ऐसी गोपियों का चरित्र है, चरित्र गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है मेरे प्यारे, कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं, संत हैं, वो ही गोपी बनकर के आए हैं। ना तपो फिर न योगश्चा न ज्ञानी ना कि कर्मणा हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका, प्रमाणं तत्र गोपिका। भक्ति हो तो गोपी जैसी हो मेरे प्यारे, गोपियों जैसी भक्ति हो। और आज मेरे प्रभु राधा रानी को लेकर चले गए और विरह में सभी गोपियां गोपी गीत को गाती हैं मेरे प्यारे, गोपी गीत को गाती हैं। झांकी का दर्शन करते रहे साथ साथ में गोपी का वात्सल्य भाव भी रखे। बोलो राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज गोपियां विरह में गोपी गीत गाती हैं मेरे प्यारे। भागवत में कितने गीत होते हैं? चार। प्रथम गीत वेणु गीत, दूसरा गोपी गीत, भ्रमर गीत और भिक्षु गीत, एकादश स्कंद। चार गीत होते हैं मेरे प्यारे, चार। आज गोपियां विरह में गा रही हैं प्रभु दर्शन दो। जय पीते गीतों जन्मते Thank you.
Thank you.
सुजात चरणां गुरुवंस्तने सु भीता सने प्रिय दधि महिकर्क से सु तेना कवि मत्सित व्यजने न केश्वे आज गोपियां इतने विरह में हैं, इतनी विरह में हैं, और वही विरह गीत मेरे प्यारे गोपी गीत है, ऐसा गोपी गीत है मेरे प्यारे, जो प्रतिदिन अगर पाठ करता है तो मेरा ठाकुर उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये मेरी गोविंद की नगरी है मेरे प्यारे, ये बरसा नहीं, ये तो भक्ति रस है। ऐसे भक्ति रस में मैं तो रात दिन नहाने के लिए तैयार हूं। बोलो राधे राधे। ऐसे भक्त मिल जाए मैं तो सात दिन में सात में सात जन सुनाने के लिए तैयार हूं। सभी भक्तों ने हमारा दिल जीत लिया मेरे प्यारे। मिनी वृंदावन है, गोविंद वृंदावन धाम की, ये मिनी वृंदावन है ठाकुर जी का। बड़ी अनेक लीलाएं मेरे ठाकुर जी ने की, और यहाँ पर जरासंध को 17 बार हराया, 18वीं बार खुद हार करके द्वारकापुरी पहुंच गए। रुक्मी ने विवाह को किसके साथ तय किया था? शिशुपाल के साथ। आज मेरे प्रभु गए हैं किसके पास? गए हैं रुक्मणी के पास। रुक्मणी ने बुलाया, प्रभु आप नहीं आएंगे मैं विवाह नहीं करूंगी, आ करके अंबे माँ के मंदिर से मेरा वरण कर लो, और मेरे प्रभु भक्त वत्सल भगवान भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए, रुक्मणी से ब्याह करने के लिए चले गए, और अपने रथ में बिठाला माता को और लेकर के द्वारकापुरी में आ गए। और द्वारकाधीश की जय, भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, आवाज आ रही है हमारी? चलो कुछ तो पहले से तेज हुई। देखो विवाह हो गया, इंद्रदेव जी भी खुश हो गए, वो भी शांत हो गए कि अब मेरी दाल इधर गोविंद विहार में गलने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। कल सुबह सुबह से बढ़िया धूप निकलेगी, और सुबह सुबह 7 बजे आ जाना, ठीक है? और पूरे दिन कथा श्रवण करेंगे। बोलो राधे राधे। इस गोविंद विहार में, गोविंद की नगरी में जो रस बरस रहा है मेरे प्यारे, इतना रस बरस रहा है, कितना मेरे ठाकुर चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कैसा? राधा की चाहत है कृष्ण, क्या है?
राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। कितने भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो यही कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नगर में धूम मची है, हर कान्हा बने हैं नंदलाल चोरी का जवाब। जय हो सभी लोग आरती करेंगे, आरती के बाद फिर प्रसाद लेकर के ही भक्त लोग जाएंगे। ठाकुर जी की आरती करिए प्रभु की जोड़ी का। Oh, my God.